हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज आपके लिए लेके आया हूँ मैं मीडियाटेक का फ़ोन। मीडियाटेक की जो पावर आईसी है MT6357CRV, उस मीडियाटेक के पावर आईसी के पास जो कॉइल्स लगे होते हैं, उनका जो पावर का जो आउटपुट लाइन होता है, वो कैसे, उनमें कितनी पावरें बनती हैं, उनको हम आज देखेंगे कि उनका जो पावर का सिक्वेंस है, जो स्टेज की सप्लाई है अलग अलग स्टेज की। जैसे मैंने पहले से आप लोगों को पढ़ा रखा है, क्वालकॉम के फ़ोन में S1 से लेकर S6 तक किसी में बनता है, किसी में S7 भी इंक्लूड होता है, किस में S7 होता है, किस में S6 होता है, कहाँ तक ये बनता है सीरीज़, और इसके बाद कौन कौन सी वोल्टेज बनती हैं, वो सारी चीज़ें मैंने बता रखी है। अभी यहाँ पे हमारा मीडिया टेक का है। काफ़ी लोगों का रिक्वेस्ट था कि सर आप मीडिया टेक पर भी बनाओ, मीडिया टेक पे जो हमारा ये आउटपुट कॉइल्स हैं उनके बारे में भी बताओ। तो यहाँ पे आज हम लेके आए आपके लिए मीडिया टेक के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलता रहे। और एक बात और बता दूँ आपको कि न्यू बैच जो है स्टार्ट होने वाला ऑनलाइन कोर्स का, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाला न्यू बैच और उसकी बुकिंग ऑलरेडी चल रही है और काफ़ी सीटें बुक हो चुकी हैं, तो आप अपनी सीट को झट से बुक करें और फ़ायदा उठाएँ, अच्छे लेवल की जानकारी हासिल करें और अच्छे लेवल पर रिपेयरिंग कर पाएंगे आप बहुत दिनों से भी रिपेयरिंग करते हैं तो आपको शायद ये चीज़ें नहीं पता होंगी कि इसमें क्या चीज़ें बनती हैं, कैसे बनती हैं, कौन कौन सी पावर है। अगर आप कंफ्यूज हैं रिपेयरिंग करने में, आपको दिक्कतें होती हैं रिपेयरिंग करने में, ट्रेस करने में, वोल्टेज चेक करने में, तो आप बेशक हमारा क्लास जो है, ऑनलाइन क्लास जो है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं और आपको अच्छे लेवल पे वोल्टेज का और लाइन का ट्रेसिंग का जो तरीका होगा वो सिखाया जाएगा। स्कीमेटिक का यूज़ बताया जाएगा, स्कीमेटिक में जो चीज़ें यूज़ की जाती हैं, कैसे इसको रीड किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताया जाता है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं मीडिया टेक का जो फ़ोन है हमारा, उसका जो पावर बनता है इस फ़ोन की, जो आईसी है, जो ये आईसी हमारी एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत सारे फ़ोन में यूज़ हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि ये यूनिवर्सल आईसी है, जो हमारे बहुत सारे फ़ोन में, मीडिया टेक के फ़ोन में, बहुत सारे MT के बेस फ़ोन पर पावर CPU के साथ में लगी हुई है। इसके साथ में कई कम्बिनेशन बनता है जिनको हम क्लास में डिस्कस करते हैं कि इनके साथ में क्या क्या बन सकता है, कौन कौन सी आईसी इनके साथ यूज़ हो सकती है। अभी आपको यहाँ पे आउटपुट कॉइल्स नज़र आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 कॉइल यहाँ पे, और यहाँ पे 2 IC नज़र आ रही है। ये दोनों IC क्या करती है और यहाँ पे कॉइल क्या है, यही हम देखने वाले हैं वीडियो में, कि ये जो IC हमारा मीडिया टेक का है MT6357CRV, ये IC से ये जो आउटपुट निकलती है, यहाँ पे जो आउटपुट है वो कब निकलती है, कौन से आउटपुट का क्या नाम है, और यहाँ पे दो छोटी IC क्या करती है, ये दोनों छोटी IC हमेशा आपको नज़र आएगी मीडिया टेक के साथ में, ये क्या करती है, और एक आउटपुट कॉइल जो होता है यहाँ पे, ये क्या करता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जो भी आउटपुट कॉइल होती है वो एक सिक्वेंस की सप्लाई होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले पढ़ा रखा यहाँ पे S1 से लेकर S7 तक की बनती है, वैसे ही आपको यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पे 6 नज़र आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को ज़्यादा बिना टाइम गंवाते हुए। तो हमारा जो यहाँ पे मीडियाटेक का जो इनपुट पावर होता है, इन कैपेसिटर से इंटर करता है, जब हम फ़ोन को ट्रिगर करते हैं या फिर चार्जर इन करते हैं तो हमारा फ़ोन ऑटोमेटिकली ट्रिगर होता है एज चार्जिंग मोड के लिए। तो हमारा जो आउटपुट कॉइल होता है उन पर वोल्टेज मिलता है। तो हमारा यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, इस कॉइल से मैं स्टार्ट करता हूँ। ये जो कॉइल है हमारा, ये हमारा कॉइल है, इसका मैं आपको बोर्नियो में दिखा देता हूँ कि ये जो कॉइल, इसकी कोड है L2004। इसकी कोड क्या है, L2004। तो यहाँ पे जो कॉइल है इसका मैं नाम लिख देता हूँ, ये L2004 है, और ये जो कॉइल होता है इस पर जो वोल्टेज मिलेगी आपको, ये VS1 मिलेगा, यानी कि S1 वोल्टेज है, ये VS1 वोल्टेज मिलेगा इसमें, इस IC के लिए यहाँ पे VS1 वोल्टेज होगा, जो कि आपका होता है 2 वोल्ट तक। क्या होता है, 2 वोल्ट तक, ठीक है। VS1 होता है 2 वोल्टेज, यहाँ पे 2 वोल्ट बनेगी आपकी जब ये आउटपुट करेगा तो। और इसके बाद मैं दूसरे कॉइल पर बात करूँगा, यहाँ जो सेकेंड वाली कॉइल है, तो इस कॉइल की जो कोड है वो L2002 है। तो यहाँ पे जो कॉइल है वो है हमारा L2002, और ये जो L2002 है हमारा, इस कॉइल पर जो हमारा बनता है वो है मॉडेम सप्लाई, वी मॉडेम, ठीक है, वी मॉडेम बनता है यहाँ पे। और यह पे जो मॉडेम होता है ये हमारा नेटवर्क के RF चिप के लिए यूज़ किया जाता है। तो हमारा यहाँ पे वी मॉडेम सप्लाई बनती है, जो कि इस IC से निकलती है और सीधे डायरेक्टली CPU के अंदर जाती है। यहाँ पे हमारा VS1 भी हमारा जो होता है ये CPU के अंदर जाती है, और ये हमारा LDO सप्लाई होती है, ये एक तरह से कह सकते हैं इसको हम, ये हायर LDO है, जो फ़ोन में दो तरह की LDO होती है, हायर LDO और लोअर LDO। तो ये हमारा हाई LDO है,
हाई एल डी यूज़ होता है और लो एल डी यू होता है। और यहाँ पे वी एस वन जो हमारा हाई एल डी यू है, जो कि हमारा लो डिप आउटपुट, लो ड्रॉप आउटपुट की जो सप्लाई है वो हमारी यहाँ पे बन रही है, बीपीएच पावर से कन्वर्ट होके वी एस वन नाम से। और मॉडेम बन रही है हमारा बीच वाले पे सेकंड नंबर पे, और इसके थर्ड नंबर पे जो हमारा है उसका कोड क्या हम देखते हैं, तो एल 2001 है। और ये जो एल 2001 है उस पर जो हमें मिलता है, ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सप्लाई होता है सीपीयू के लिए, ये हमारा होता है वी कोर। वी कोर सप्लाई जो होता है, कोर वोल्टेज होता है सीपीयू का, जो इस क्वाइल पर हमें मिलेगी 0.8 0.8 इन दोनों पर मिलेगा, 0.8 0.8 वोल्ट इन दोनों क्वाइलों पर हमें मिलनी चाहिए चार्जर इन करने पर। और इसके जस्ट बाद हमारा कोर वोल्टेज के बाद जो यहाँ पे जो क्वाइल नज़र आ रही है उसकी रीडिंग को हम देखें, उसकी कोड को हम देखेंगे, तो ये एल 2000 है, एल 2000 है। तो ये जो क्वाइल है इसका मैं नाम लिख देता हूँ एल 2000। और ये जो एल 2000 होता है इस पर भी हमें 0.8 वोल्ट मिलती है, और इस क्वाइल का नाम है वी पी रॉक। वी पी रॉक, ये वी पी रॉक जो होती है ये हमारा जो सप्लाई होती है सी पी यू के लिए होती है, और जिसको हम शॉर्टकट में एक और नाम से जानते हैं डी वी एफ एस, डी वी एफ एस, ठीक है, डिजिटल वोल्टेज फ्रिक्वेंसी, डिजिटल वोल्टेज फ्रिक्वेंसी स्केलिंग, ठीक है, डिजिटल वोल्टेज फ्रिक्वेंसी स्केलिंग। ये वोल्टेज वी पी रॉक जो होता है ये हमारा सी पी यू का पावर वोल्टेज होता है, जो सी पी यू के लिए कोर वोल्टेज और पावर जो दो वोल्टेज ही बनती हैं। यहाँ पे हमारा एस वन एस टू एस थ्री एस फोर एस फाइव एस सेवन करके नहीं मिलता है, यहाँ पे हमको वी एस वन मिलेगा, यानी कि ये एस वन है जो कि एक एल डी यू बन रहा है, जबकि हमने क्वालकॉम में पढ़ा रखा है कि एस थ्री और एस फोर जो होता है वो हमारा एल डी यू होता है, एस थ्री और एस फोर जो होता है वो हमारा लोअर एल डी यू और हायर एल डी यू होता है, लोअर एल डी यू और हायर एल डी यू होता है, जबकि यहाँ पे हमारा वी एस वन जो है वो हायर एल डी यू है। और यहीं पर हमारा जो यहाँ पे जो आईसी लगी गई है इसका काम क्या है इसको अभी हम देखेंगे। यहाँ से हमारी इतनी चीज़ें निकल रही हैं, और लास्ट वाली जो ये कॉइल नज़र आ रही है ये कॉइल हमारा क्या है इसको हम देखते हैं, तो ये हमारा एल 2003 है। तो एल 2003 जो कॉइल होता है ये हमारा वी पी ए की लाइन होती है, वी पी ए पावर एम्पलीफायर, वी वोल्टेज पावर एम्पलीफायर की होती है, जो कि हमारा 4G RF का, 4G RF जो होता है उसका VCC वोल्टेज होता है, 4G RF का क्या होता है VCC वोल्टेज होता है, जो कि हमारा इस आईसी के अंदर से निकलती है, जो कि हमारा पावर आईसी है उसके यहाँ से बनती है ये 4G RF की VCC वोल्टेज। तो हमको यहाँ पे 4G RF की VCC वोल्टेज, आपको अगर फ़ोन डेड है आपका, फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे वोल्टेज नहीं मिलेगी हमें, यहाँ पे हमें कोई वोल्टेज नहीं मिलेगी। यहाँ पे जो वोल्टेज होती है वो 3.7 वोल्ट तक होती है, तो वहाँ पे हमें कोई वोल्टेज नहीं मिलेगी। जब हमारा फ़ोन ऑन होगा, जब हमारा 4G नेटवर्क के लिए RFIC ऑन होगी, तो हमारा जो यहाँ पे वोल्टेज बनेगा वो 3.7 वोल्ट तक होता है, 1 वोल्ट से 3.7 वोल्ट तक ये फ्लैक्चुएट करता है, बढ़ता है धीरे धीरे, घटता है बढ़ता है, ऐसा होता है यहाँ पे। ये हमारा वी पी ए पावर जो कि इस आईसी के अंदर है। तो मैंने इतनी पावर बता दी 1 2 3 4 5 कॉइलों पे। अभी यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे जो कॉइल है, यहाँ पे हमारा जो कॉइल है उसका कोड देखते हैं। तो यहाँ पे जो कोड है U2801, यानी यहाँ पे U2801 है और यहाँ पे U2803, दो आईसी लगी हुई है, एक आईसी के पास तो कोई कॉइल नहीं है, लेकिन एक आईसी के पास में यहाँ पे कॉइल है। तो मैं यहाँ पे अभी आपको ये दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जो एक आईसी के पास कॉइल है वो हमारा एक स्टेज की सप्लाई है जिसका नाम है VS2। जैसे यहाँ पे ये VS1 था जो कि आईसी से निकल रही है, और ये VS2 जो है वो एक्सटर्नल पावर है हमारा, ये जो हमारा एक्सटर्नल पावर है जो कि VS2 है, जो कि हमारा 1.5 वोल्ट का होता है, जिसको हम लोअर LDO बोलेंगे, जिसको हम लोग लो LDO बोलेंगे। तो लो LDO हमारा एक अलग आईसी से बनाई जा रही है, और हाई LDO जो हमारा ये MediaTek की 6357 CRB से बन रही है। तो हाई LDO पहले बनता है, हाई LDO में से क्या बनता है हमारा 1.8 बनता है हाई LDO से, और लो LDO से क्या बनता है हमारा 1 वोल्ट की सप्लाई फ़ोन में जो बनती है वो लो LDO से बनती है, और हाई LDO से 1.8 बनती है। तो हमारा जो लो LDO है वो यहाँ पे एक IC यूज़ करके बनाई जा रही है, और एक अदर LDO सप्लाई के लिए यहाँ पे यूज़ किया गया है, एक LDO सप्लाई होता है यहाँ पे, जो यहाँ पे एक छोटी सी IC लगी हुई जिसका कोई आउटपुट कॉइल नहीं है, इनपुट कैपेसिटर और आउटपुट कैपेसिटर है यहाँ पे। तो ये दोनों हमारा जो IC लगी हुई यहाँ पे, ये LDO सप्लाई बनाती है, जो कि हमें फ़ोन को ट्रिगर करने में, फ़ोन को ऑन करने में सहायक होती है, यानी कि हमारा इस सेक्शन में भी ख़राबी होगी तो फ़ोन हमारा डेड होगा, और हमें ऐसा लगेगा कि हमारा पावर IC का दिक्कत है। तो हमें पावर IC के साथ साथ में इन कंपोनेंट्स को भी, इन IC को भी चेक करना होता है। और यहाँ पे हमें इतनी सारी कॉइलें मिलेंगी जिनकी आउटपुट वोल्टेज मैंने लिख रखी है पहले ही आपको, कि कहाँ पे कितनी कॉइल पे कितनी वोल्टेज मिलेगी। अगर आपका फ़ोन डेड है, आप टेस्टिंग कर रहे हो, तो आपको इस कॉइल पर कोई वोल्टेज नहीं मिलेगी, बाकी सारी कॉइलों पर वोल्टेज मिल रही है अगर चार्जर लगाने पर, तो इसका मतलब है कि अब आपका फ़ोन जो है पावर सेक्शन से समझिए ओके है, उसका आपका फ़ोन पावर के लिए ओके है,
पावर आईसी के लिए पावर सेक्शन से ओके है, जो भी प्रॉब्लम है अदर सेक्शन से आ रही है वो आपको ट्रेस करना होगा कि कौन सी सेक्शन से प्रॉब्लम आ रही है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, और हमारा ऑनलाइन क्लास जो है उसे आप ज्वाइन करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं आप तो ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी सीट को बुक